सारा योजना का जो भी लाभ होता है सो हमको मिलता है। जैसे कि अभी सोलर मिला हुआ है जिला से हमको, और ये ड्रिप भी लगा हुआ है, और प्याज का भी अभी हमको ही लगा हुआ है देखने पीछे। डुमरा प्रखंड के रसलपुर पंचायत के रामलाल महतो हमारे एक किसान हैं, जिसका कि हम फील्ड भ्रमण के दौरान इससे हमारी मुलाकात हुई, और उसके बाद हम इसको आत्मा के द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण के लिए भेजे थे, जिसमें से उनको सब्जी की खेती के लिए जब भेजे तब उनको सूक्ष्म ये सिंचाई वाला जो योजना है उसके माध्यम से जो स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज़ होता है उनके बारे में जब वो सीखे तब वो बहुत प्रभावित हुए, और सोलर का उपयोग करते हुए वो सूक्ष्म सिंचाई का चलाते हैं, जिसमें डीजल पेट्रोल का कोई भी खर्च नहीं लगता है, और साथ ही वो वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं फील्ड में, जिसके कारण उनकी फसल सब्जी की बहुत अच्छी दिखी। रामलाल जी से मुलाकात कुछ ही दिनों पहले हुई थी, और इनके प्लॉट पर आने के बाद मैंने देखा कि रामलाल जी एक वृद्ध कृषक के तौर पर काम कर रहा है। इन्होंने अपने प्लॉट पर एक नई तकनीक के माध्यम से पूरी तरह से खेती कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने सोलर सिस्टम का उपयोग करते हुए और सूक्ष्म सिंचाई की चीज़ों का भी उपयोग किया है, और इन्होंने हॉर्टिकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री को भी इंक्लूड किया, एग्रो फॉरेस्ट्री जिसको कहते हैं, एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, फॉरेस्ट्री के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से महोगनी का भी प्लांटेशन किया है। तो इससे देखा जा सकता है कि हमारे प्रखंड के बहुत उभरते हुए किसान हैं, और इन्होंने हर तरह के एग्रीकल्चर फील्ड में अभी जितनी भी योजनाएँ हैं वो पूरी तरह से इन्होंने अपना समुचित उपयोग किया है। इससे हम कह सकते हैं कि हमारे प्रखंड में जितने भी किसान हैं इनसे प्रेरित होकर इनसे शिक्षा लें, और हम चाहेंगे कि इसी तरह से अगर ये किसान इस तरह से काम करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बिहार में किसी भी तरह की कोई किसान इस तरह से नहीं कर सकते, वो आर्थिक रूप से तंग है। तो हम चाहेंगे कि इनसे प्रेरणा लें, सभी किसान इनसे जागरूक इसी तरह से जागरूक होकर अपना काम करें।